गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, हम यहाँ पर, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे हम आज करने जा रहे हैं रुअफ़ज़ा की पार्टी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 ग्लासेस तैयार किए हैं और इन दोनों की लड़ाई हो रही है। ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, और मैं कह रही हूँ दोनों को इक्वल मिलेगा। और गाइस, आज हम करने जा रहे हैं अपना रुअफ़ज़ा चैलेंज। तो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बैक कैमरा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने रुअफ़ज़ा कैसे कैसे रेडी किया और हमें चैलेंज के जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए रुअफ़ज़ा के 3 ग्लासेस रेडी हैं। तीनों में इक्वल है, सेम क्वांटिटी में है। ये एक तनिष्का का, एक मिश्का का, और ये बड़ा ग्लास है मेरा। अब ये हमें देखना है कि हम तीनों में से कौन इसे पहले फिनिश करेगा और कितना टाइम लेगा फिनिश करने में। तनिष्का मिश्का ने उठा लिए हैं अपने ग्लासेस और हम चीयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना मिंजू? ठंडा भी है। गाइज, आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, मैं इन दोनों को ही जिताना चाहती हूं, मैं हारना चाहती हूं। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन विनर बनती है और मैं अपना धीरे धीरे फिनिश करूंगी। ओके, गाइज मिश्का फर्स्ट आ चुकी है। देखिए ग्लास दिखाओ मिशू अपना, एक मिनट। वाह, कितनी जल्दी मिश्का ने फिनिश किया है। गुड जॉब मिशु। और सेकंड आती है तनिष्का और थर्ड मैन। कोई बात नहीं मम्मा, की मम्मा। तो चलिए गाइस, हमारा ये चैलेंज होता है पूरा और मैं अपना जो रेस्ट है रुअफ़ज़ा वो फिनिश करती हूँ। देखा आपने, हमारा हो चुका है रुअफ़ज़ा चैलेंज और फर्स्ट आई थी मिश्का और सेकंड आई थी तनिष्का और थर्ड मैं। और गाइस, कोई बात नहीं, मैं चाहती थी तनिष्का मिश्का में से ही कोई विनर बने और इन दोनों को ही मैंने जितवाया, इसलिए मैंने अपना रोल धीरे धीरे पिया। कोई बात नहीं, पर मम्मा ने हमको चिढ़ाया। नहीं, मैं चिढ़ा चिढ़ा के कहाँ पी रही थी। कोई बात नहीं, आप ओके। हाँ, और गाइस, इसी खुशी के मौके पर इसी खुशी के मौके पर मिश्का आपको एक सुंदर सा प्यारा सा गाना सुनाने वाली है। कौन सा गाना था ये? हाँ, इसी बात पे गाइस एक लाइक हो जाए। आ गई। अच्छा मिशू बैठो, आपका फेस कट रहा है, ये ले, मेरे को क्या है, ताशु की आ रही है। बैठो, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। और गाइस, चलिए इनको इनकी शरारतों के साथ यहीं छोड़ देते हैं और कल का हम कुछ वीडियो क्लिपिंग देखते हैं, बिकॉज जो आज अपने जो ब्लॉग देखा है उसमें आप लोगों ने आधी ही क्लिपिंग देखी है, वो मिश्का की पढ़ाई देखी है, तनिष्का की पढ़ाई नहीं देखी है। तो आप देखिए तनिष्का ने भी अपनी कैसे पढ़ाई की थी और मैंने जो बताया था लीडर्स के नाम, तनिष्का ने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा और समझा है। तो आप पहले वो क्लिपिंग देखिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। अब मेरी पढ़ाई हो ओके, और आज हमें तनिष्का यहाँ पे बताने जा रही है। हाँ,
ओके लीडर सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस वेरी गुड गोपाल कृष्ण गोखले रविंद्रनाथ टैगोर गोविंद वल्लभ पंत नहीं दिखाओ क्या लिखा है पंत गोविंद वल्लभ पंत हाँ ठीक पढ़ रही थी ऊधम सिंह यस लाला लाजपत राय वेरी गुड विपिन चंद्रपाल वीर सावरकर हाँ तांत्या टोप मंगल पांडे वेरी गुड वेरी नाइस मिशी अब मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सुनाएगी क्या है हेडलाइंस क्या है बेटा कैरल सेरिल्स पोल्स हाँ और स्पाइसेस हाँ सीरियल पर्ल्स स्पाइसेस ओके येलो मूंग दाल स्पिलेट पीस चने की दाल को कहते हैं स्पिलेट पीस ठीक है ओके रेड रेड लेंटिल्स मसूर हाँ मसूर की दाल कहते हैं पीस किडनी बीन्स राजमा को कहते हैं किडनी बीन्स ठीक है उनकी शेप्स ऐसी होती है ना किडनी की तरह चिकपीस कार्डमम होता है इलायची को कहते हैं कार्डमम ठीक है सिनेमम यानी दालचीनी और ये क्लोव यानी कि लौंग राइस शूट कर रही हो ना और ये वीट जो हम सुबह खाते हैं नाश्ते में और गाइस देखिए यहाँ पे चल रही है मिश्का की भी पढ़ाई मिश्का भी कर रही है पढ़ाई वेरी गुड मिशु ओके यहाँ पे तनिष्का हमें बताएगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल्स के नेम ठीक है ये टूल्स है ओके पहले टूल्स के नाम फिर उसके बाद नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओके चलो हैमर मींस हथौड़ा वेरी गुड प्लायर्स मींस प्लास सॉ मींस आरी रेंच हाँ रेंच वो घिसने मेरे को भी नहीं पता रेंच को हिंदी में क्या कहते हैं और ये है एक्स मींस कुल्हाड़ी को कहते हैं एक्स स्क्रैपर हाँ वो जो खोदने वाला कुदाल को होता है ना हाँ हाँ उसको कहते हैं
स्क्रू यानी पेच, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, यस, कैन ओपनर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कैन ओपनर ही कहते हैं हिंदी में भी। हैंड प्लेन इसको क्या कहते हैं पता नहीं, और वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, जो कि बहुत प्यारी होती है, ट्रम्पेट, चिड़िया की मम्मा ही, और चिड़िया के पियानो यानी कि बाजा, यानी कि खंजरी, गिटार यानी कि गिटार, वायलिन यानी कि सारंगी, ड्रम यानी कि ढोल बाजे, ओके, टॉम टॉम यानी कि ढोलक, ढोलक टम टम यानी ढोलक, यस, सैक्सोफोन यानी कि सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, माउथ से बजाते हैं ना इसलिए इसको माउथ ऑर्गन कहते हैं, बीन बाजा, हाँ, कायम्बल यानी कि मंजीर, मंजीरा, मम्मा इसको क्या कहते हैं, जंप, तबला, हाँ बेटा इधर लाओ मैं बताऊ पढ़ के, नेक्स्ट क्या था शु, ये क्लैरिनेट, शहनाई, शहनाई, चलो वेरी गुड वेरी नाइस तनिष्का, देखा आपने तनिष्का मिश्का ने कैसे पढ़ाई की, तनिष्का ने स्पेशली, और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि तनिष्का मिश्का खा पीकर सो गई हैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी, पार्क में खेल के आई और घर में भी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की, सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, शब बगैर।